तो बच्चों आज आपको मैं अ से आ की एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम था अमर। अ से अमर। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके घर के पास एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें बहुत सारे फल के पेड़ थे, जैसे अ से अनार, अ से अमरूद, आ से आम, ई से इमली। उसने सोचा कि एक दिन मैं इस बगीचे में जाता हूँ और इतने सारे फल देख करके और खूब अच्छे अच्छे फल खा के आता हूँ। उसने अपनी मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, हम लोग संडे को चलेंगे। तो उसको, लेकिन पता है, अमर से वेट नहीं हुआ। उसने कहा, संडे तो बहुत दूर है, मेरा तो फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है। वो बिना बताए अपने मम्मी से शाम को उस फल के बगीचे में चला गया। गलत किया ना, हम लोगों को कभी भी बिना बताए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना? लेकिन अमर ने तो गलत काम किया, अमर चला गया घर से बाहर। फिर क्या हुआ, वहाँ जब वो पहुँचा बगीचे में तो वो इतने सारे फ्रूट्स देख के बहुत खुश हुआ। अ से अनार का पेड़ था वहाँ पे, अ से अमरूद था, आ से आम था और ई से इमली थी। वो बहुत खुश हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो देखता है ई से ईख का भी खेत वहाँ पे था। वो तो बहुत खुश हो गया, उसको तो मज़े आ गए। उसने सोचा, चलो मैं पेड़ पे चढ़ के कुछ फल खाता हूँ। तो वो अ से अमरूद के पेड़ के पास गया, लेकिन पता है वहाँ पे उसे उल्लू बैठा हुआ था। वो उसे उल्लू को देख करके डर गया तो वो उस पेड़ पे नहीं चढ़ा। आगे बढ़ा तो अगला पेड़ आम का था। वो फटाफट आ से आम के पेड़ के उसे ऊपर चढ़ गया और उसी पेड़ के नीचे ऋषि ऋषि भी बैठे हुए थे, वो पूजा कर रहे थे। तो अ से अमर ने उस आ से आम के पेड़ के उसे ऊपर चढ़ के खूब सारे फल खाए और थोड़े से वो फल लेकर के वो नीचे आने लग गया। लेकिन जैसे ही वो नीचे आया, उसके ए से एड़ी में चोट लग गई और उसको वो गिर भी गया, उसके चोट भी लग गई। तो री से ऋषि ने जल्दी से अपनी ऐसे ऐनक लगाई और उसकी ए से एड़ी को देखा और ऋषि ऋषि ने कहा, नहीं नहीं बेटा, रो मत, परेशान मत हो, तुम्हारी चोट अभी ठीक हो जाएगी, चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो उसने कहा ऋषि ऋषि से कि सॉरी ऋषि, मैं ना बिना बताए अपने मम्मी पापा को आ गया। तो ऋषि ऋषि ने कहा, देखा, तुम अपने मम्मी पापा को बिना बताए आए, तभी तुमको पनिशमेंट भी मिल गई, तुम्हारी चोट भी लग गई, कभी भी बिना बताए मम्मी पापा के घर से नहीं निकलना चाहिए। तो उसने कहा, हाँ मुझसे गलती हो गई। तो ऋषि ऋषि ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो ऋषि ऋषि उसको लेकर के घर की तरफ आने लगे। तभी अमर ने देखा कि कुछ पत्तियों पे पानी गिरा हुआ था। तो अमर ने पूछा ऋषि ऋषि से कि ये क्या है, ये पानी क्यों है पत्तियों पे? तो ऋषि ऋषि ने कहा, बेटा इसको ओसे ओस कहते हैं। तो उसने कहा, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। तो उसने देखा, लेकिन उसके ऐसे एड़ी में चोट लगी हुई थी ना, उसको चलने में दर्द हो रहा था। तो ऋषि ने कहा, परेशान नहीं हो, मेरे पास आओ से औषधि है, तो चलो मैं तुम्हारे औषधि लगा देता हूँ, तुम थोड़ी देर बैठो, कुछ फल खाओ और फिर उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो ऋषि ऋषि ने अ से अमर की ए से एड़ी में ऐसे ऐनक लगा के अ से औषधि लगा दी और उनके पास कुछ अंग से अंगूर रखे हुए थे। तो ऋषि ऋषि ने अ से अमर को अंग से अंगूर भी खिलाए और उसके बाद उसको घर छोड़ने के लिए आए। और भाई अमर को तो मजा आ गया, वो खुश होकर के बोलने लग गया, अ से आहा मजा आ गया, आहा मजा आ गया। और फिर ऋषि ऋषि ने उसको घर छोड़ दिया। तो बच्चों आपने क्या क्या पढ़ा? अ से अमर, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊपर, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओस, औ से औरत, अंग से अंगूर और आहा खाली। तो इस ऐसे ही स्टोरी आप भी बना के जल्दी से मैम को सेंड करिए।